नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ फिर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कथा एक पौराणिक कथा है, भगवान हनुमान ने क्यों लिया पंचमुखी रूप। आइए दोस्तों, मैं इसी के बारे में आपको बताता हूँ। हनुमान जी अपने भक्तों पर आने वाले किसी भी संकट को तुरंत हर लेते हैं, इसी कारण हनुमान जी को संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो हनुमान जी स्वयं भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं और सदैव उनके नाम का स्मरण करते रहते हैं, लेकिन एक बार भगवान श्री राम भी संकट में पड़ जाने पर हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लेकर उन्हें भी संकट से उबारा था। आइए जानते हैं हनुमान जी के पंचमुखी अवतार के बारे में। जब राम और रावण का भीषण युद्ध चल रहा था और जिस समय मेघनाथ का वध हो गया, उस समय रावण बहुत तनाव में आ गया था। रावण को दुखी देखकर रावण की माँ कैकसी ने उसके पाताल में बसे दो भाइयों अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। रावण यह भली भांति जानता था कि अहिरावण और महिरावण तंत्र मंत्र के महापंडित, जादू टोने के धनी और माँ कामाक्षी के परम भक्त हैं। रावण ने उन्हें बुला भेजा और कहा कि वह अपने छल बल से श्री राम और लक्ष्मण का सफाया कर दे। यह बात दूतों के जरिए विभीषण को भी पता चल गई। युद्ध में अहिरावण और महिरावण जैसे परम मायावी के शामिल होने से विभीषण चिंता में पड़ गए। महिरावण ने विभीषण का रूप धारण कर कुटिया में प्रवेश किया और वहां पे श्री राम और लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिलाओं पर गहरी नींद में सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना आहट किए शिला समेत दोनों भाइयों को उठा लिया और अपने निवास पाताल की ओर लेकर चल दिए। जब विभीषण और श्री हनुमान को इनके बारे में पता चला कि भगवान राम का अपहरण हो गया है, तो वो लोग काफी चिंतित हुए। आनन फानन में हनुमान जी को पाताल लोक की ओर भेजा गया। हनुमान जी को पाताल द्वार के प्रवेश पर एक अद्भुत पहरेदार मिला। इसका आधा शरीर वानर का और आधा शरीर मछली का था। उसने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश से रोक दिया। द्वारपाल ने कहा कि मुझे परास्त किए बिना तुम्हारा अंदर जाना असंभव है। दोनों में लड़ाई ठन गई। हनुमान जी की आशा के विपरीत यह बड़ा ही बलशाली और कुशल योद्धा निकला। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, परंतु वह बजरंगबली के आगे न टिक सका। आखिरकार हनुमान जी ने उसे हरा तो दिया, पर उसकी प्रशंसा करने से नहीं रह सके। उसने उस वीर से उनका परिचय पूछा। उस वीर ने उत्तर दिया, मैं हनुमान का पुत्र हूँ और एक मछली से पैदा हुआ हूँ और मेरा नाम है मकरध्वज। हनुमान जी ने यह सुना तो आश्चर्य में पड़ गए। वह वीर की बात सुनने लगे। मकरध्वज ने कहा, लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि शांत करने पहुँचे। उनके शरीर से पसीने के रूप में तेज गिरा। उसी समय मेरी माँ ने आहार के लिए मुख खोला था। वह तेज मेरी माता ने अपने मुख में ले लिया और गर्भवती हो गई। उसी से मेरा जन्म हुआ है। हनुमान जी ने जब सुना तो मकरध्वज को बताया कि वही हनुमान है। इसके बाद मकरध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और हनुमान जी ने भी अपने बेटे को गले से लगा लिया और वहां आने का अभिप्राय बताया। इसके बाद मकरध्वज हनुमान जी को लेकर माँ कामाक्षी के पास गए, उन्हें नमस्कार कर उनसे सफलता की कामना की। इस पर माता ने बताया कि मंदिर में पांच द्वार पे पांच दीपक जल रहे हैं, सब अलग अलग दिशाओं और अलग अलग स्थान पर। माँ ने कहा, यह दीप अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। जिस समय यह सारे दीपक एक साथ बुझा दिए जाएंगे, उसका अंत सुनिश्चित हो सकेगा। यह सुनकर हनुमान जी ने तत्काल पंचमुखी रूप धारण कर लिया। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुर मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। उसके बाद हनुमान जी ने अपने पांचों मुखों द्वारा एक ही साथ पांचों दीपक बुझा दिए। पांचों दीपक बुझते के साथ राक्षसों के अनेक बार पैदा होने और लंबे समय तक जिंदा रहने की सारी आशंकाएं समाप्त हो गई थी। हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों शीघ्र ही वे दोनों राक्षस मारे गए। अहिरावण और महिरावण के मरते ही श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई और हनुमान जी ने कहा, प्रभो,
अब आप अहिरावण और महिरावण के छल और बंधन से मुक्त हुए। यही कारण था कि हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया और अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की जीवन को बचाया। इसी प्रसंग में हमें एक दूसरी कथा भी मिलती है कि जब मड़ियल नाम का दानव भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चुराता है और यह बात जब हनुमान जी को पता लगती है तो वे संकल्प लेते हैं कि वे चक्र पुनः प्राप्त कर भगवान विष्णु को सौंप देंगे। मड़ियल दानव इच्छानुसार रूप बदलने में माहिर था, अतः विष्णु भगवान जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, साथ ही इच्छानुसार वायुगमन की शक्ति के साथ गरुड़ मुख, भय उत्पन्न करने वाला नरसिंह मुख, हयग्रीव मुख ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा वराह मुख सुख व समृद्धि के लिए था। पार्वती जी ने उन्हें कमल पुष्प एवं यम धर्मराज ने उन्हें पाश नामक अस्त्र प्रदान किया। आशीर्वाद एवं इन सब की शक्तियों के साथ हनुमान जी मड़ियल पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। तभी से उनके इस पंचमुखी स्वरूप को भी मान्यता प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, ये थी हनुमान जी के पंचमुखी रूप धारण करने की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कहानियों को और देखने सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्त फिर किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।